पहले तो झरसुगुड़ा की जो क्षमता है उस पर पूर्ण रूप से मैंने विश्लेषण अपने उद्बोधन में किया है। झरसुगुड़ा की क्षमता केवल वर्तमान की नहीं है, झरसुगुड़ा का एक बुलंद इतिहास है। वीर सुरेंद्र सहाय की एक नम्न की भूमि है जिसे नमन करने का आज मुझे मौका मिला है। एक बहुत लंबा इतिहास है धर्म के तरफ से, स्वतंत्रता संग्रामी और उसके पूर्व भी अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई जंग लड़ी गई, झरसुगुड़ा का वर्तमान भी है जो क्षमताओं से भरा हुआ है, और झरसुगुड़ा का भविष्य भी है। और इन तीनों का संगम अगर हमें राष्ट्रपटल पर उजागर करना है तो वो नागर विमानन क्षेत्र के आधार पर संभव हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि उड़े देश का आम नागरिक, प्रजातंत्रीकरण विमान सेवा का हो, उस उद्देश्य के तहत ही आज झरसुगुड़ा विमान सेवा के नक्शे पर आया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानचित्र से मिट गया था। और ऐसे कई कहानियां हैं जो आप लोगों ने आज सुना है, किशनगढ़ की कहानी है, रूपसी की कहानी है, बेलगावी की कहानी है, हिंडन की कहानी है, कई ऐसी कहानियां हैं, दरभंगा की कहानी है। और आज ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के आधार पर, उनकी दूरदर्शनी के आधार पर। और आज मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बधाई देना चाहता हूं, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरी उनसे विस्तृत चर्चा हुई थी यहां आने के पहले, उनकी कर्मस्थली है और उन्होंने भी बहुत सारा योगदान इस क्षेत्र के लिए दिया है। उड़ीसा की सरकार को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, साथ में मिलकर ये विमानतल आज तैयार है। पर उड़ीसा में और बहुत कुछ करना है हमें नागर विमानन क्षेत्र में। मैंने मंच से कहा है जयपुर और उटकला दोनों एयरपोर्ट्स के लिए परमिशन लाइसेंसिंग की जो जरूरत है उसका प्रस्ताव हम लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, उड़ीसा सरकार जल्द से जल्द भेजे। उसी के साथ पुरी की एयरपोर्ट का प्रस्ताव की पूरी रिपोर्ट बनाकर हमने प्रदेश सरकार को भेजी है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं जवाब के लिए, ताकि पुरी में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हम लोग स्थापित कर पाए। झरसुगुड़ा में 180 एकड़ जमीन की जरूरत है हम लोगों को फेज टू की डेवलपमेंट के लिए। संघीय ढांचे में प्रदेश सरकार केंद्र सरकार साथ में मिलकर आवागमन की सुविधा आखिरी नागरिक तक पहुंचाने के लिए सफल हो पाएंगे। विमान बंदर के लिए किसके लिए? कृषि उड़ान एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मैं उदाहरण आपको दूं, लाहौल स्पीति से आलू, उत्तर पूर्वी राज्यों से फल, झरसुगुड़ा से कृषि प्रधान जो क्षेत्र है हमारा, यहां से एक्सपोर्ट के लिए कई उत्पादन कृषि उड़ान के तहत हम लोग विश्व भर में पहुंचा पाएंगे। मैंने नई पॉलिसी कृषि उड़ान की निकाली है दो हफ्ते पूर्व, जहां सारे पार्किंग लैंडिंग चार्जेस हमने समाप्त कर दिए हैं। जितना भी कृषि का उत्पादन प्लेन के बेली में जाएगा, जितना भी संभव हो उसे हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आठ मंत्रालय साथ में मिलकर, जो प्रधानमंत्री की सोच है कि सरकार को साइलो में काम नहीं करना है, साथ में मिलकर काम करना है, तो कृषि उड़ान योजना नागर विमानन मंत्रालय की योजना अकेले नहीं है, आठ मंत्रालय मिलकर इस योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। हमारे सांसद और विधायक जो बोल रहे हैं कि यहां से और भी विमान के लिए, तो उसके लिए आगे और इंडिगो भी बहुत हमारी कोशिश है कि देखिए, आपने कभी अनुमान लगाया था कि 2 से 3 लाख यात्री प्रतिवर्ष झरसुगुड़ा से निकलेंगे, तो ये तीव्र गति से बढ़ता जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उड़ान योजना में भी हम कई प्रस्ताव डालेंगे,
उसके अतिरिक्त भी हम लोग एयरलाइन से बात करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अगर भारत में वृद्धि हमें लानी है यात्रियों की, वो केवल मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा, बैंगलोर और चेन्नई जैसे एयरपोर्ट से नहीं हो पाएगा, जो ऑलरेडी पीक कैपेसिटी पे कार्य कर रहे हैं, वो टियर टू टियर थ्री सिटीज छोटे शहरों से वो तीव्र गति हम लोग उत्पन्न कर पाएंगे। तो आप लोग चिंता न करें, जितना भी हो सकेगा केंद्र सरकार इस क्षेत्र के लिए और छोटे शहरों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है।